हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर। और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग एजेंट नंबर 4 के बारे में ट्रिक्स देने जा रहा हूं। तो डैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। फार्मूला इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में SBHB एरो पे दिखा दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखना है। तो नाउ इसके लिए सबस्ट्रेट डैट मीन्स रिएक्टेंट क्या है, तो आइदर इट विल बी एसिड हैलाइड और कीटोन और अल्डिहाइड। जो रिएक्टेंट जिसको ये रिड्यूस करेंगे वो तीन ही और फिक्स हैं। कौन कौन है? एसिड हैलाइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड। रिएजेंट आपको मालूम ही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। आइदर इट विल बी 1 डिग्री और 2 डिग्री। डैट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल वाया सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सबस्ट्रेट को, इस रिएजेंट को एंड इस प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल मेरे स्लोगन से आप याद रख सकते हैं। और मेरा स्लोगन क्या कह रहा है? SBH से हमने बनाया सभी, SBH से हमने बना लिया सभी। डैट मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड सभी। कोवर्ड क्यों लिया? क्योंकि ध्यान से देखो तो तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो सभी को। हेलो मीन्स हेलोजन, यहाँ वाला हेलोजन। सभी को हेलो कहो मतलब कार्बन, कार्बन से और यहाँ पे हाइड्रोजन से ह, तो सभी को हेलो कहो। और 1 to 1 मीन्स 1 डिग्री अगर हेलोजन होगा तो, कीटोन होगा तो 2 डिग्री, और फिर अल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ। तो देखो इसको चलते फिरते आप 2-3 बार तो बोलोगे याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है? सभी को हेलो कहो और 1 to 1 अल्कोहल बनाओ। तो इस स्लोगन में हमने रिएक्टेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सबको हमने इंक्लूड कर लिया है। और दैट्स वेरी सिंपल लाइन, वन लाइन, कि सभी को हेलो कहो और 1 to 1 अल्कोहल बनाओ। नाउ एक्चुअली रिएक्शन में आपको करना क्या है उसके बारे में मैं आइडिया देने जा रहा हूँ। कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन होगा तो अल्डिहाइड या कीटोन का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, और वो जो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन आपको कार्बन को देना है एंड ऑक्सीजन को देना है। कहने का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि सपोज करो आपके पास ये अल्डिहाइड है तो इसका पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, ये वाला, ये ब्रेक कर दिए, और इसके बदले आप इसको क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक किया था इसको भी हेच देंगे और इसको भी हेच देंगे, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने देना। सिमिलरली अगर कीटोन हुआ तो कीटोन के केस में भी आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना आपको। और ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक किया तो इस कार्बन को भी हेच दिया और इस ऑक्सीजन को भी हेच दिया। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन होंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर करके कार्बन को भी हेच देना है एंड ऑक्सीजन को भी आपको हेच देना है। नाउ अगर एसिड हैलाइड हुआ तो हैलोजन की जगह पहले हेच भर देना है। तो जैसे हैलोजन की जगह, अगर आप ध्यान से देखो, अगर एसिड हैलाइड हुआ तो हैलोजन की जगह हेच भरोगे तो ये फिर से किस में आ जाएगा आपका? अल्डिहाइड में, इस वाले में। फिर यहाँ से सेम प्रोसीजर रहेगा। तो वही लिखा मैंने कि एसिड हैलाइड होगा तो हैलोजन को हेच से रिप्लेस करो, फिर जो सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन कार्बन को दे दो और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ये आपको करना है। नाउ अब मैं बात करता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके एप्लीकेशन की। तो मैंने टोटल 6 प्रॉब्लम लिए हैं, ध्यान से देखो। तो ये आपका एसिड हैलाइड हो गया जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और Cl है। अपना स्लोगन क्या था? सभी को, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सभी को भी है, हेलो तो ये हेलोजन वाला है, कहो तो ये कार्बन वाला है और ये हाइड्रोजन वाला है। तो डैट मीन्स ये तीनों हेलो का हो और ये सब में सभी हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड हैं, सभी को हेलो का हो। तो अगर ये होगा तो क्या करना है? 1 to 1 अल्कोहल बनाओ। तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, इसमें 2 डिग्री और इसमें 1 डिग्री। तो कैसे? तो आपको बताया था क्या करना, पहले हैलोजन को रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ पहले केस में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा, हैलोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, और फिर फर्दर क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है और
इस कार्बन को एच देंगे और ऑक्सीजन को, तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, तो सी एच थ्री सी, इस ऑक्सीजन को एच मिला और इस कार्बन को, और ये एच पहले से इसके पास था, तो आप देख सकते हो ये कौन सा आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगेन ये होंगे तो क्या करना है, सी एच थ्री सी, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये ऑक्सीजन वाला एक बॉन्ड है, इसको भी हाइड्रोजन देना और इसको दे दिया और बाकी जो चीज़ जैसे हैं, तो ये देख सकते हो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और ये एल्डिहाइड होगा तो अगेन इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन को हेच देना, ऑक्सीजन को हेच देना, तो सी एच थ्री इस कार्बन पे ऑक्सीजन जो था उसको हेच, कार्बन को हेच और एक हेच पहले से था, तो ये 1 डिग्री बन गया। नाउ इस केस में आपका दो दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों को ये रिड्यूस कर सकता है, इसलिए उस स्लोगन से तीन को ही कर सकते हैं और वो हमने बहुत ही अच्छे वे में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये एसिड हैलाइड है तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप कर रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, इस पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन को भी हेच दिया और कार्बन को हेच दिया जो दिखाया नहीं, और वैसे ही यहाँ पर इस पाई बॉन्ड पहले तो हैलोजन निकल जाएंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा और वो पाई बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो एक एक हेच मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे एसिड है, एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि हमने बताया आपको किस किस को, हेलो कहो एसिड हैलाइड कीटोन एंड एल्डिहाइड को कर सकता है, तो इसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस कीटोन का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो बाकी जो चीज़ें जैसे हैं वैसे ही रहने देना है, और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको हेच और इसको हेच एक मिल चुका है, जो हम जनरली दिखाते नहीं हैं, अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो। नाउ यहाँ पे अल्कोहल है, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल तो प्रोडक्ट ही बनता है, एल्डिहाइड का अगेन पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और बाकी जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहने देना आपको, तो ये मैंने वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे हेच था, इस ऑक्सीजन को भी हेच मिला और इसको भी हेच, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, आप मेरे उस स्लोगन को याद रखें और करना क्या उसको ध्यान में रखें, तो आपको ईजिली सोडियम बोरोहाइड्राइड से आने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ जाते जाते अगेन मैं ज्ञान की बात करने जा रहा हूँ और उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है उससे एक्चुअली आपको हेच माइनस मिलता है, डैट इज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, एंड इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कर सकता है, बट ये तीन फंक्शनल ग्रुप को ही किया था, इसलिए इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है, इतना रिक्वायर्ड तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा समझने के लिए, तो यू नो इससे आपको हेच माइनस मिलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये जो आपके पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आगे वाले केस में क्या हो जाएगा, सी एच थ्री ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया तो उस पर माइनस, ये हेच आ गया और ये हेच पहले से थे, और उसके बाद फिर प्रोटोनेट हो जाएगा, आपने एसिडिक मीडियम लिया होगा या वाटर लिया होगा तो प्रोटोनेट कर दोगे अगर आप, एंड आगे के प्रोसेस में फिर इसको वाटर से हेच प्लस मिल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा सी एच थ्री ओ एच एच एंड हेच। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में। थैंक यू।